हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आपके। माई सेल्फ सी ए नितिन राजपाल, फैकल्टी एट रुद्रा एजुकेशन एंड ट्रेनिंग हब। दोस्तों, इस समय अगेन स्टूडेंट जो अपकमिंग एग्जाम है उसके पैटर्न को लेकर डिस्कशन कर रहे हैं। मेरा इसके ऊपर क्या मानना है और एज ए स्टूडेंट इस समय हमें क्या करना चाहिए उसकी बात हम करेंगे। देखिएगा, ये कंफर्म है, ऑफलाइन एग्जाम है, पेन पेपर मोड वाले एग्जाम है। और दूसरी बात, इंस्टीट्यूट आपको पैटर्न में 100% एमसीक्यू तो नहीं देने वाला। क्यों नहीं देने वाला? क्योंकि जब उसने ऑनलाइन एग्जाम में 100% एमसीक्यू नहीं दिए तो ऑफलाइन में तो क्या देगा। तो दैट मीन्स जो आपका एग्जाम पैटर्न रहने वाला है उसके अंदर मिक्सअप ऑफ एमसीक्यू एंड शॉर्ट एंड लॉन्ग वर्ड क्वेश्चंस जैसे पहले ऑफलाइन एग्जाम में होते थे ऐसा आपको देखने को मिलेगा। या जो अभी भी ए बी सी डी वाला जो आपका पैटर्न है एज इट इज भी अगर वो रखते हैं तब भी मेरे को लगता है कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पेन पेपर मोड में आप इजीली अपनी नॉलेज को, अपनी स्टडी को एग्जाम कॉपी पे प्रेजेंट कर सकते हैं। किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है और पैटर्न जो भी होगा वो इंस्टीट्यूट ईच एंड एवरी टाइम मॉक टेस्ट पेपर इशू करके आपको बताता है और इस बार भी बताएगा। लेकिन जो भी पैटर्न होने वाला है मेरे को लगता है उससे आपकी स्टडी और आपकी पढ़ाई का रिवीजन चेंज नहीं होने वाला। और एमटीपी के बारे में इस समय बात करना बिल्कुल इररिलेवेंट है मेरे हिसाब से। जो भी पैटर्न होगा वो आपको बताया जाएगा, लेकिन ऑफलाइन एग्जाम में पैटर्न ऐसा नहीं होने वाला कि जो आपके रिवीजन स्ट्रेटजी, स्टडी स्ट्रेटजी को चेंज कर दे। तो आपको 100% चीजें अभी आज के लेवल पे पढ़नी है, आज के समय में पढ़नी है। पैटर्न जो भी होगा एग्जाम में और एमटीपी के माध्यम से बताया जाएगा, तो स्टडी से उसके ऊपर, पैटर्न से आपकी स्टडी पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है वो एटलीस्ट ऑफलाइन एग्जाम में। तो मेरा यही मानना है पैटर्न की बिल्कुल टेंशन ना लीजिए। आपके इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में जितने भी स्टडी नोट हैं सबको डिटेल में डिस्कस कीजिए, चाहे वो प्रैक्टिकल हो चाहे वो थियोरेटिकल हो। अगर आपके प्रैक्टिकल थियोरेटिकल बहुत स्ट्रांग है कंसेप्चुअली, तो चाहे एमसीक्यू बेस आए, चाहे लॉन्ग ड्यूरेशन आए, चाहे कोई भी आए, ऑफलाइन एग्जाम आपको अटेम्प्ट करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ऐसा मेरा मानना है दोस्तों। बाकी मॉक टेस्ट पेपर जैसे कि एग्जाम से 1.5-2 महीना पहले इंस्टीट्यूट इशू करता है, इस बार भी इशू करेगा, आपको पैटर्न पता लग जाएगा। लेकिन बार बार कह रहा हूँ, पैटर्न आपकी स्टडी डिसाइड नहीं करेगा। इस बार स्टडी करो हार्ड, पैटर्न भी आएगा, एग्जाम भी आपके होंगे, लेकिन अच्छे एग्जाम उसके होंगे जो इस बार स्टडी पे मेहनत करेगा इधर उधर की बातों को छोड़ के। मैं आपका दोस्त सी ए नितिन राजपाल, दशहरा की विजयदशमी की शुभकामनाएं, और पुरानी सारी बातें भूल के अपनी स्टडी पे लग जाइए, यही आज आपका कर्म है दोस्तों। टाटा, बाय बाय।